दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ना एक बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई है कि जो बिजनेसमैन है ना, छोटे हो या बड़े, सबका इंटेंशन एक होता है, पैसा कमाना। अब देखिए ना, ट्विटर को खरीदते वक्त दुनिया के सबसे रईस आदमी इलॉन मस्क कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ट्विटर के जरिए आने वाली पीढ़ी को एक फ्री एंड फेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, ट्विटर इज नाउ फ्री, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता हूँ, फलाना फलाना, लेकिन आते ही धंधा चालू कर दिया। दोस्तों ट्विटर अब भारत के अपने यूजर्स को एडिट ऑप्शन देने जा रहा है। ट्विटर के एडिट बटन को लेकर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी और ये स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया है और भारतीय यूजर्स को बताया है कि जल्दी उन्हें भी ऐसा कोई ट्विटर एडिट बटन मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और दूसरे देशों में सिलेक्टेड यूजर्स को ये ऑप्शन देना शुरू भी कर दिया है और ये भी शुरुआत भारत में भी होने वाली है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर तो ये है कि ये एडिट ऑप्शन फ्री फोकट में नहीं मिलेगा। यूजर्स को इसके लिए ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बकायदा इंडियन यूजर्स को इसके लिए 400 रुपए चुकाने पड़ेंगे। मतलब इलॉन मस्क ने आते ही धंधा पानी शुरू कर दिया। बाय द वे ये एडिट का ऑप्शन तो दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को बहुत पहले से दे रहा है, वो भी फ्री फोकट में। लेकिन ये कहां का लॉजिक है कि भाई एडिट का ऑप्शन आपको ट्विटर पे चाहिए तो पैसे दीजिए। इससे पहले कल तो ट्विटर ने एक और बड़ा काम कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप का पैरडी अकाउंट वेरीफाई कर दिया। मतलब ये पहली बार हुआ होगा कि किसी का पैरडी अकाउंट वेरीफाई कर दिया गया हो। बताइए कहां तो इलॉन मस्क एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे थे और का पैरडी अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं और एडिट जैसे बिल्कुल बेसिक फीचर के लिए पैसे मांग रहे हैं। दोस्तों ट्विटर को लेकर एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि क्यों बार बार इसको लेकर इतनी खबरें बनाई जाती हैं, ट्विटर को इसने खरीद लिया, ट्विटर में ये चेंज हो गया। क्योंकि ट्विटर न केवल दुनिया का बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बल्कि सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म भी है। भले ही इसके यूजर्स फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से कम हो, लेकिन ये ताकतवर प्लेटफॉर्म इसीलिए है क्योंकि हर देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति इसमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप साझा करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है ट्विटर के जरिए देते हैं, उनकी मौजूदगी है इसमें। इसीलिए इलॉन मस्क का इस प्लेटफॉर्म का मालिक बनना उन्हें एक तरह से दुनिया का बड़ा मीडिया मुगल बनाता है। ये ताकत अपने साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। क्या इलॉन मस्क इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों हमारे फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।